तो दोस्तों, एक ऑप्शन बायर जो ऑप्शन ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है ब्रोकरेज चार्जेस से। एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो, 15-20 ट्रेड आपने कर लिया तो मान के चलिए 400-500 रुपये आपके सिर्फ ब्रोकरेज में जाएंगे, प्लस उसके ऊपर 18% GST भी अलग से लगता है। तो इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने जीरो ब्रोकरेज का प्लान इंट्रोड्यूस किया, उनमें से ही एक है हमारा एम्स्टॉक। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं एम्स्टॉक का प्रीमियम मेंबर हूँ यहाँ पे बेसिकली, जो कि आप प्लान अपग्रेड करने के बाद बनते हैं, यानी 999 रुपये का प्लान जब आप ले लेते हैं इनका, तो आप ये प्लान आपका जो है ये अपग्रेड हो जाता है प्लान। तो मैंने देखे यहाँ पे इनका जो जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान था, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम, वो यहाँ पे सब्सक्राइब किया है 999 रुपये प्लस GST दे करके। और साथ ही साथ मैंने जो इनका जीरो AMC वाला प्लान था, जिसमें हमारा AMC चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता, वो भी प्लान मैंने यहाँ पे इनका 999 रुपये प्लस GST वाला जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लिया है। दोनों को सब्सक्राइब करने में करीब करीब 2400 रुपये हमारे एक बार यहाँ पे लगे। अब एक बार मैंने यहाँ पे 2400 रुपये दे दिए तो मेरे को यहाँ पे अब लाइफ टाइम में कितना भी ट्रेड करूँ कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। दिन में मैं 100 ट्रेड डाल दूँ कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, साथ ही साथ कोई भी AMC भी मेरे से लाइफ टाइम नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है कि मैंने जो है यहाँ पे राइट चॉइस यहाँ पे लिया है इनका, और मेरे को यहाँ पे लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज और जीरो AMC यहाँ पे देना होता है। बाकी जो चार्जेस है गवर्नमेंट के चार्जेस, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका FET चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, GST है 18% ऑन ब्रोकरेज, और उसके बाद SEBI चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प चार्जेस है, वो चार्जेस तो मेरे को देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी कोई भी चार्जेस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं एम्स्टॉक के अंदर अकाउंट खोलते हैं तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि क्या ये उतना फास्ट है जितना जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन है, और क्या उनकी तरह ये जो है हैंग करता, ये उनकी तरह हैंग नहीं करता, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है उनमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है, तो उसके जो है बैकएंड काफ़ी मजबूत रहता है उनका, ये सब चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में। तो क्या ये एप्लीकेशन भी हमारा स्टेबल है? मैंने देखिए इसको यूज़ किया हुआ है, हालांकि अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग इस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किया हुआ है इसके ऊपर भी करीबन एक साल तक मैंने एम्स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग की है। आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं जब ट्रेडिंग की वीडियो डालता था तो एम्स्टॉक एप्लीकेशन को ही मैं यूज़ करता था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, तो ये एम्स्टॉक वालों का सारा प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी प्राइसिंग इनका अच्छे से अपना कंपेयर कर लीजिएगा अगर आपको अकाउंट खोलना है या आप अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको खुद ही चार्जेस बता देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूँ बड़े ब्रोकर्स के साथ जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं हमारे, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे लिख के आ रहा है, एवरीथिंग विथ अस कॉस्ट जीरो, लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन। ठीक है, यानी कि आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, डिलीवरी ट्रेडिंग करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपको जीरो ब्रोकरेज देना होता है। तो यहाँ पे देखिए जब आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है इनका 999 रुपये वाला प्लान लेकर के ओपन करते हैं, प्लस GST भी हमें लगता है 999 रुपये ही मत समझिएगा, करीबन ये 1200 रुपये चला जाता है GST वगैरह ले करके। तो आप लोगों को किसी भी सेगमेंट के अंदर ब्रोकरेज वगैरह नहीं देना होता है। इसके साथ ही साथ जिनको AMC प्लान भी सब्सक्राइब करना होता है वो अलग से जो है 999 रुपये प्लस GST दे करके इनका AMC प्लान भी एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो AMC चार्जेस वगैरह के झंझट से भी आप बच जाएंगे, वो भी आपको कभी देना नहीं पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे खोल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपका नॉर्मल जो चार्जेस अदर ब्रोकरेज हाउसेस के साथ लगता है, जीरोधा अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, वैसे ही आपका चार्जेस यहाँ पे भी लगभग लगता है, सेम टू सेम ही होता है करीबन। तो यहाँ पे देखिए और चार्जेस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जानना। तो जैसा कि एम्स्टॉक भी खुद कहता है कि यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आप यहाँ पे देखो अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ज़ीरो रहता है किसी भी सेगमेंट के अंदर आप ट्रेड करो। कॉल एंड ट्रेड अगर आप करते हो, यानी कि इनके कस्टमर केयर को कॉल वगैरह करके यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो उसका भी चार्जेस ज़ीरो रहता है। एंड FTT CTD चार्जेस जो कि यहाँ पे नॉर्मल से चार्जेस है, वो आपका यहाँ पे 0.1% ऑन बाई एंड सेल के ऊपर लगता है आपका। ठीक है, बाई और सेल करेंगे तो 0.1% का चार्ज आपका FTT और CTT चार्जेस लगता ही है, किसी भी ब्रोकर के साथ आप जाएँ उसके साथ लगेगा ही लगेगा। और इसके साथ अगर बात करें हम ट्रांजेक्शन चार्जेस की, तो ये भी देखिए कंपलसरी गवर्नमेंट के चार्जेस है, तो इसमें NSE का आपका देखेंगे, NSE के अंदर अगर आप किसी शेयर के अंदर
ट्रेड करते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करते हैं तो 0.00322% का आपका चार्जेस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है। बीएससी के साथ 0.00375% का चार्ज लगता है। जीएफटी देखिए यहाँ पे 18% लगता है टोटल ब्रोकरेज के ऊपर, प्लस यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस सेबी चार्जेस भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रोकरेज तो यहाँ पे ब्रोकरेज तो ले नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर ब्रोकरेज के ऊपर आपको कोई 18% का यहाँ पे चार्ज नहीं देना है। बाकी आपका जो अलग अलग चार्जेस है ट्रांजेक्शन चार्जेस सेबी चार्जेस ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग जो भी बाकी चार्जेस हैं आपका सेबी चार्जेस 10 रुपया पर करोड़ के ट्रांजेक्शन पे वो आपको देना पड़ेगा। टाइम चार्जेस जो है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। या आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए, आपको ये चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एमसी वगैरह अगर ज़ीरो करना है तो उसका प्लान भी आप बाई कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं क्या ये टक्कर दे पा रहा है वो एप्लीकेशन, हमारी जो प्रीमियम एप्लीकेशन है। देखिए 6 महीने मैंने यूज़ किया और 6 महीने में 2 बार ऐसा हुआ जब एप्लीकेशन का सर्वर डाउन हुआ था। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 2 बार ऐसा हुआ था जब सर्वर डाउन हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मतलब ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, कोई पोजीशन है तो वो भी स्टक हो गई थी। 2 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ जब मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, करीबन 6 महीने से तो मैं ट्रेड ही इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हो रहा था। आई डोंट नो कि ये पिछले 6 महीने में इसमें कैसा सुधार आया है, पर पहले हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन उसको बाद में करीबन 2-3 घंटे बाद रिस्टोर कर लिया गया था। और कई लोगों को यहाँ पे लॉसेस भी बुक करने पड़े थे, मैंने ट्विटर पे ट्रेंड भी देखा था, एम स्टॉक यहाँ पे मेरे फिट ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे ट्विटर के ऊपर। आप लोग अगर अभी भी एम स्टॉक मेरे फिट को सर्च करोगे तो शायद आपको वो पुराने ट्वीट्स आपको दिख जाए। पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ कि जब आप ट्रेड लेते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होता है। मैंने जितना ट्रेड किया है मेरे को कोई इशू यहाँ पे हुआ नहीं बाई और सेल करने में। बाकी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं जब वो किसी प्रीमियम एप्लीकेशन को यूज़ करके आते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जीरो ब्रोकरेज वाले एप्लीकेशन पे वो भी वैसा ही काम करे, तो शायद वो बेईमानी होगी। बट ये एप्लीकेशन बढ़िया काम करता है अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप ट्रेडिंग के अंदर जो है अपना ब्रोकरेज बचाना चाहते हो तो इसमें आप बिल्कुल जा सकते हो। बढ़िया एप्लीकेशन है, काम अच्छे से करता है। जब भी मैंने ट्रेड किया काफ़ी आसानी से ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट हुए। बाकी अगर आप लोगों को जो है इसके अंदर अकाउंट ओपन करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्लान है इनके। पहला आपका ब्रोकरेज वाला है जिसमें 999 रुपये प्लस GFT करीबन 1200 रुपये हो जाता है GFT लेकर के आपका ब्रोकरेज फ्री करने के लिए। प्लस अगर आपको AMC चार्जेस भी अपना फ्री करवाना है तो उसके लिए भी 999 रुपये प्लस GFT आपको पे करना होता है। टोटल लगभग 2400 रुपये कुछ 2400 रुपये होते हैं करीबन। उसके बाद आपको किसी भी तरह के इनको जो एक ब्रोकरेज हाउसेस को जो चार्जेस लगते हैं वो नहीं पे करना होता है और आप इसमें अकाउंट बिल्कुल खोल सकते हैं। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड अगर रेडी है, आपका बैंक रेडी है, तो आप इसमें अकाउंट ओपन करिए। बाकी कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए